हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल्स। यू आर नंबर वन देख रहे हैं। तो फ्रेंड, आज सुपर एट का फर्स्ट मुकाबला होने वाला है यूएसए वर्सेस साउथ अफ्रीका का। और ये कहाँ खेले जाएगा? वेन्यू सर वीवी रिचर्डसन स्टेडियम नॉर्थ साउंड एंटीगुआ पे। और ये जो पिच रहती है बॉलिंग की पिच रहती है और पेसर को ज़्यादा हेल्प होती है, रन होने की संभावना है यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग का स्कोर एवरेज देखोगे तो 100 रन और सेकंड बैटिंग पे 95 रन का है। तो पिच कैसी रहती है? बैटिंग पिच नहीं है एक भी, बॉलिंग के लिए काफ़ी सपोर्ट है। तो आप यहाँ पे ज़्यादा पेसर को लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पे प्लेइंग 11 दोनों टीमों की आप देख सकते हैं। और यूएसए की प्लेइंग 11 आप देख लें। यहाँ पे आप किन प्लेयरों पे आप लेके जाएंगे? अली खान फर्स्ट बॉलिंग पे बहुत अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहो तो ग्रैंड लीग पे कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और सौरभ नेटवालकर ये काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। और कोरी एंडरसन, ये तीन प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी लोग लेके जाएंगे ट्विन टेलर को, ठीक है। कोरी एंडरसन आप इनमें आप रोटेट करिएगा। शनली वान एस आप इनके साथ भी जा सकते हैं। यदि तीन लेना है तो ये तीनों के साथ आप जा सकते हैं। साउथ अफ्रीका की बात करें तो कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? फर्स्ट इनिंग पे रेजा हेंड्रिक्स के साथ भी जाना होगा आपको। क्विंटल डिकॉर्ड, एडम मार्करन, हैरी क्लासन, ये चारों प्लेयर के साथ आप फर्स्ट इनिंग पे जाएंगे। फिर यहाँ पे डेविड मिलर के साथ भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे आप चाहेंगे तो ये सभी बॉलर होने ही चाहिए, ठीक है। तो इधर से आप 10 प्लेयर ले सकते हैं यदि बैटिंग फर्स्ट साउथ अफ्रीका की रहेगी, और इधर से आप तो एक प्लेयर, या फिर आप इधर से 9 प्लेयर, इधर से 2 प्लेयर आप ले सकते हैं, जो सौरभ और अली खान जो डेथ में बॉलिंग करने आएंगे, ठीक है। और फैंटेसी टिप की बात करते हैं, इनफॉर्म नॉर्जिया हैं जो 4 मैच पे 9 विकेट लेके गए हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं और इस टाइम फॉर्म पे भी चल रहे हैं। और यूएसए को यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्टार पेस लेके आते हैं और यूएसए इतना स्टार पेस नहीं खेल पाया है। तो ये अच्छे कैप्टन्स के सेव ऑप्शन रहने वाले हैं। एरन जोन्स को काफ़ी लोग लेके जाएंगे, लेकिन आप मत ले जाइएगा, क्योंकि ये बैटिंग पिच है नहीं। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बॉलर फॉर्म पे है तो काफ़ी अच्छे ये शुरू में इनके विकेट जा सकते हैं। एंडी गोज, यदि आप बैटिंग पक्ष से लेना चाहे, फर्स्ट बॉलिंग बैटिंग यदि आ रही है, सोचो कि यदि कुछ मार सकते हैं बैटिंग पे, यदि कुछ बताया जाए पिच रिपोर्ट, तो फाइनल पिच रिपोर्ट जो आएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे आएगी। तो यदि पिच रिपोर्ट आती है कि बैटिंग कुछ हो सकती है, तो ये एक अच्छे ट्रंप पिक हो सकते हैं। एंडी गोज आपको विकेट कीपर सेक्शन पर मिलेंगे। अली खान है, ये काफ़ी अच्छे हैं, एक आध विकेट जरूर लेके जाएंगे, तो आप जरूर लेके जा सकते हैं। आउट ऑफ फॉर्म पे क्विंटल डिकॉक हैं, 20 रन भी लास्ट के 5 मैच में नहीं मार पाए हैं, ठीक है। और वहीं पे रीजा हेंड्रिक्स सेम है, लेकिन पिछले मैच पे सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हुआ, लेकिन पिछले मैच थोड़ी काफ़ी अच्छा रहा है। इनिंग कंपटीशन की बात करें तो रवाडा 16 बॉलिंग सेकंड और कंप्यूटर 27 बॉलिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे यदि फर्स्ट बॉलिंग आती है रवाडा की, तो आप तब भी कैप्टन बनाने का रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि आप देखोगे छोटी टीमों के विरुद्ध भी इन्होंने ज़्यादा विकेट नहीं लिया है, ठीक है। एकाध विकेट ही लेके जा रहे हैं और अपना वो मेन जो पहले थे रवाडा वो नहीं आ रहे हैं। तो आप ये किस ग्रैंड लीग पे यदि आप 20 टीम लगाते हो, तो एकाध दो टीम पे आप कैप्टन रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट बॉलिंग या सेकंड बॉलिंग पे आप ज़रूर कैप्टन रिस्क ले लीजिएगा, क्योंकि सेकंड बॉलिंग पे इनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट बॉलिंग पे आप कैप्टन पिक नहीं भी जाएंगे, चल जाएगा। वहीं पे बात करें नॉर्जिया, तो काफ़ी अच्छा है बैटिंग फर्स्ट पे, यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट पे, यहाँ पे 10 की एवरेज से ले रहे हैं, मतलब हर मैच पे 2-2.5 विकेट लेके जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। तो आप इन्हें जरूर अपोजिट बॉलिंग सेकंड पे 42 का, लेकिन ये जैसे कि वैसे कमज़ोर है तो बॉलिंग सेकंड पे भी अच्छा ये विकेट लेके जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टेक्निकल सिवा नंबर वन, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ़ायदे क्या है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले फ्री गिवअवे देखने को मिलेगा। आज के इस मैच पे आपको 50,000 रुपीज़ का माई मास्टर 11 पे, 20 से 25 हज़ार का यहाँ पे बूम 11 पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा यदि आप बूम 11 डाउनलोड करते तो बहुत ही अच्छी
ऐप है इजी विनिंग हो जाती है। वहीं पे 1x11 पे आप यदि स्मॉल लीग हेड टू हेड खेलते हैं तो आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। तो यदि स्मॉल लीग खेलते हैं तो आप यहाँ पे खेलो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपका सेविंग हो जाती है। आप देख सकते हो प्रूफ आपके सामने है। तो आइए चलते हैं, उसके बाद फाइनल अपडेट टीम आपको यहीं पे मिलेगी, पिच रिपोर्ट, फाइनल अपडेट टीम। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के ट्रंप पिक के बारे में। तो ट्रंप प्लेयर आज के कौन हो सकते हैं, पहले नंबर पे आ जाते हैं एगोज, ये हमारे आज के ट्रंप पिक हो सकते हैं। आज हम क्विंटल डिकॉक को फीडबैक करेंगे, और आप चाहो तो ग्रैंडली पे आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन यूएसए की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए हम उनके साथ जाने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर हेजा हेंड्रिक्स भी हैं, आप इनके साथ चले जाएगा। एंड रियोनिक ये ट्रंप पिक हो सकते हैं, क्योंकि एक टिक के खेलते हैं और रन जरूर मार लेते हैं। तो ये हमारे आज के ट्रंप पिक रहेंगे, और वहीं पे आ जाएंगे तो S1 को आप ट्रंप पिक कह सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं। और यदि आप विकेट बॉलिंग भी करेंगे, A खान है, फर्स्ट बॉलिंग आती है तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, आप इनके साथ जा सकते हैं। एच सिंह है, इनकी विकेट टेकर इतने नहीं है तो आप मत जाइएगा। आज के जो ट्रंप पिक रहेंगे वो हमारे यही रहेंगे, तो इन्हीं से आप रोटेट करिएगा। मैं साउथ अफ्रीका फेवरेट है तो उसके अकॉर्डिंग टीम बना रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ पे बॉलिंग साउथ अफ्रीका की तो ये टीम रहेगी, वहीं पे सेम फर्स्ट बॉलिंग पे तो ये टीम रहने वाली है। एगोज को हमने ले लिया है एंडरसन की जगह, इस पे थर्ड टीम रहेगी। तो यहाँ पे हमने कुछ चेंजेस किया है, एंडरसन को लिया है, एगोज को लिया है, अली खान को नहीं लिया, कि अली खान भी उतने ही पॉइंट्स देंगे, एक आध विकेट से ज़्यादा विकेट नहीं ले पाते। तो ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। शमसी काफ़ी अच्छे विकेट टेकर है, यो से स्पिन नहीं खेल पाती, इसलिए हमारे जो कैप्टन है शमसी है। वाइस कैप्टन नॉर्जिया है, पिछले मैच में भी देखा होगा 4 विकेट लेके गए थे, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रखते हैं, तो इनके साथ हमने किया। फाइनल अपडेट टीम टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू एंड गुड लक।